प्यारे विवास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे विवास, माशाल्लाह से आज का बिलाग जो है इस तरह से है कि माशाल्लाह से गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो दिन भर की रूटीन, गर्मियों की पहली रूटीन आप लोगों से हम आज शेयर करने वाले हैं। और रूटीन आज का बिलाग शुरू होने से पहले हमारे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अभी जो है दोपहर का वक्त है और हम चलते हैं खाना बनाने और आप लोगों से शेयर करते हैं कि आज हम दोपहर में क्या बना रहे हैं। तो बस माशाल्लाह से आज हम पका रहे हैं दोपहर के खाने में जो है आज हम बना रहे हैं गोश्त मटन। तो अभी हमने देखे प्याज हमने डाला है और वो ब्राउन हो चुका है और इसमें हम गोश्त डालेंगे। आप दूर दूर तक बर्तन लेकर जाती हैं, धोकर वापस आती हैं तो काफी टाइम लग जाता होगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लीजिए। देखें हमारा सिंगर वो आ चुका है और माशाल्लाह हमारा अंदर वाला जो किचन है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उसका विजिट में आप लोगों से कल करेंगे। तो अभी हम अपने किचन में है, बाहर वाले किचन में खाना बना रहे हैं, तो अभी इसको अंदर रख देते हैं और बाकी का जो है मुकम्मल किचन जो है हमारे आप लोगों को कल दिखाएंगे। चिकन हमारा जो है वो गल चुका है, गर्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे का लम्बा मिर्च, इसमें डालेंगे लाल मिर्च दो चम्मच, एक चम्मच इसमें डालेंगे नमक और एक चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी। टमाटर और ये देखें उसके अलावा इसमें हरा धनिया और लहसुन भी है, हरा लहसुन और हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और इसके अलावा ये देखें हमने ना आटा भी बना लिया है माशाल्लाह से। तो अभी हमने आटा बना लिया है और माशाल्लाह से आज ना हम आप लोगों के साथ मुकम्मल अपनी रेसिपी भी शेयर करेंगे और इसके अलावा आपके दोपहर की रूटीन मुकम्मल शेयर करेंगे और खाना भी हम बैठ कर खाएंगे मिलकर, हम सब मिलकर और आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है और हमने आटा भी बना लिया है और अभी हम बनाएंगे बस। मैं अपने उन बहन भाइयों से एक बात करना चाहती हूँ जो वैसे बैठे बैठे पर अपने काम पे ध्यान तो देते नहीं और मेहनत तो करते नहीं और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम देते हैं कि आप हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन माशाल्लाह से हमने ये हमारे इलाके में मैं इतना मुझे पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से इस इलाके में पहला चैनल जो है मैंने बनाया और मैंने मेरे ही थ्रू जितने भी हमारे इलाके के चैनल वो सिर्फ मेरे ही थ्रू बने हैं। इधर जितना मुल्तान से लेकर भावलपुर तक और उसके बाद जो है वो खैरपुर तक और दुनियापुर तक जितने भी चैनल मैंने बना कर दिए हैं अपने हमसायों को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को, सब की मैंने जो है हेल्प की है और आज अब जो है वो वैसे ही खाम खामोश पर ऐसे बातें बनाना उन्होंने शुरू कर दी है कि वो चाहते हैं कि उनकी हर वीडियो में मैं आऊं उनके साथ रहूं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने अपनी मेहनत के वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूं और जो अल्लाह मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा है और मैं अल्लाह ताला को सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी की भी कभी बुराई नहीं की, मैंने किसी के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा। तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है जो कुछ भी है।
तो इसके अलावा मैं उन बहन भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जरूर कामयाब करेगा और इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आगे मेरी तरफ बढ़ सकेगी। मेरी उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ है। तो माशाल्लाह से हमारा जो है वो सामने तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी थोड़ा सा। तो विवाह कल जो रूटीन हम आप लोगों से शेयर कर रहे थे वो तो हमने उधर ही छोड़ दी थी, क्योंकि अब अचानक कॉल आ गई कि बच्ची फोत हो गई है, तो हमें उधर जाना पड़ा। चार पाँच माह की बच्ची थी, फोत हो चुकी है, तो वो फोत हो गई। तो मेरी उनके माँ बाप के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अदा करे ताकि वो भी सब्र कर सकें, क्योंकि बच्ची माशाल्लाह से बच्ची बहुत प्यारी बच्ची थी। हमारे पास आए थे वो इधर लेकर, बच्ची को एक माह पहले आए थे, एक रात हमारे पास रहकर भी गए हैं। तो हमें उधर जाना पड़ा, तो कल की रूटीन तो हमने वहीं छोड़ दी और आज जो है हमने सोचा है कि उसके आगे शुरू करते हैं। तो अभी हम किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज की रूटीन में हम क्या बना रहे हैं दोपहर को। तो आइए चलते हैं आप लोगों। हम आए इधर रोटियां पकाने, क्योंकि आज ना हम दोपहर में हमने सालन नहीं पकाया, तो आज बगैर सालन के हम रोटी कैसे खाएंगे वो आप लोगों से थोड़ी देर बाद शेयर करेंगे। अभी रोटी पका ले, फिर आप लोगों को बताते हैं कि हम आज का रोटी जो है कैसे खाते हैं और आज का हमारा दोपहर का खाना कैसा होगा। तो विवाह खाना हमने बना लिया है, तो अभी हम आए हैं चारपाई निकालने ताकि बरामदे में बैठकर हम खाना खा सकें, क्योंकि माशाल्लाह से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी है और किचन में बैठकर खाना खाना बहुत मुश्किल है, गर्मी होती है ना उसके अभी हमने चार पहियाँ बिछा ली हैं और अभी हम अपना खाना लेकर आते हैं। तो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप देख रहे हैं कि मेरी आंखों पर सीधी जो है ना सूरज सीधा ही आंखों पर पड़ रहा है। अभी हम चलते हैं किचन में और खाना लगाते हैं, फिर बच्चों को भी बुलाते हैं। हमारा जो है दोपहर का खाना तैयार हो चुका है और आज आप लोग ना देखकर हंसेंगे कि डेली रूटीन वाली बाजी को क्या हो गया है, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा हल्का फुल्का सा आज जो है ना संडे है, तो बच्चे अभी खेल रहे थे, मैंने इन्हें बुलाया कि अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खा लें, क्योंकि माशाल्लाह से अभी थोड़ी देर बाद ना हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो हमें खूब इंतजाम करना है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज दोपहर का खाना जो है वो हल्का फुल्का खाएंगे। तो अभी हसीब से पूछते हैं कि हसीब क्या खेल रहा था। हसीब बताओ क्या खेल रहा था, क्या खेल रहा था अभी? मैच खेल रहा था। उधर बताओ सलाम क्या है आपने? अस्सलाम को पावर बारे जल्दी को सांसा कर चुके अल्लाह कम से बारे बारे कर ठीक हो। अच्छा, वैसे भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी सपोज ये कभी कभार जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से जाता है, तो अभी इंशाल्लाह हसीब रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर देगा। तो ये चलते हैं खाना लेकर। आज हमने अचार निकाला है अपने घर से और इसके बाद ना हमने चटनी बनाई है, रायता ये भी बनाया है। तो अभी मिलकर खाना खाते हैं। मैं अचार खाऊंगा। अचार खाओगे? अच्छा ठीक है, अचार खाना लेकिन थोड़ा सा खाना, ठीक है, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। खुद ही खाओगे
तो रिवर्स हसीब कह रहा है कि सारा चार्ज है मैं खाऊंगा। तो इसी दुआ के साथ मिलेंगे किसी कल किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोगों ने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम खाना शुरू करें।